नमस्कार दर्शकों, आपका एस्ट्रो योगी के हिंदी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जानते हैं 2 जुलाई 2021 के पंचांग के बारे में, साथ ही साथ हम आपको 12 राशियों के दैनिक राशिफल के बारे में बताएंगे। आज का दिन करियर विथ लव और हेल्थ के मामले में कैसा रहने वाला है, और जानिए आज के टिप्स ऑफ द डे में आपकी राशि के लकी कलर और लकी टाइम के बारे में। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। आमतौर पर हमें किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सही मुहूर्त, सही समय और सही नक्षत्र की जरूरत पड़ती है, और हिंदू पंचांग की मदद से ही हम इनके बारे में जान पाते हैं। आइए अब जानते हैं 2 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार का आज का पंचांग। विक्रम संवत चल रहा है 2078, शक संवत 1943 और कली संवत 5123 है। हिंदू पंचांग के अनुसार मास आषाढ़ है, पक्ष कृष्ण पक्ष और ऋतु वर्षा ऋतु है। आज तिथि अष्टमी रहने वाली है। यह तिथि शाम 5:30 तक रहेगी। इसके बाद नवमी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज रेवती रहने वाला है, जो पूरी रात रहेगा। तदुपरांत आज का करण रहने वाला है कौलव, जो दोपहर 3:28 तक रहेगा। इसके बाद तैतिल करण लग जाएगा, जो सुबह 4:25 तक रहेगा। इसके बाद गर करण लग जाएगा। आज बनने वाला योग शोभन है, जो सुबह 10:54 तक रहेगा। इसके बाद अतिगण योग लग जाएगा। आज चंद्रमा मीन में रहेंगे, सूर्य मिथुन राशि में गोचर करेंगे। अगर सूर्य उदय की बात करें तो आज सूर्य उदय का समय सुबह 5:27 पर होगा और सूर्यास्त शाम 7:23 पर होगा। आज चंद्रोदय रात 12:52 पर होगा। चलिए इसके बाद जान लेते हैं आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से शुरू होकर दोपहर 12:53 तक रहेगा। और इसके बाद जान लेते हैं राहुकाल की, जिस समय किसी भी शुभ कार्य को करना वर्जित माना गया है। तो आज राहुकाल का समय सुबह 10:41 से शुरू होकर दोपहर 12:25 तक रहेगा। इसके साथ ही दर्शकों, हमने आपको आज के पंचांग की संपूर्ण जानकारी दे दी है। अगर आप अपने शहर के अनुसार सटीक पंचांग जानना चाहते हैं तो आप अपने नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके जानकारी पा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले, आज जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्राप्त हो। साथ ही साथ जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन्हें भी ढेरों शुभकामनाएं। शिव पार्वती की तरह आपकी जोड़ी भी सदा सलामत रहे। आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का राशिफल। राशि चक्र की पहली राशि मेष के साथ। मेष राशि। प्रिय मेष, आज चंद्रमा मीन राशि में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। यह गोचर आप में से कुछ के लिए खुशी लेकर आ सकता है, जिससे आप खुश और तनाव मुक्त महसूस कर पाएंगे। पूरी संभावना है कि आप अपने आप को अपने परिवार की संगति में बैठे और आराम करते हुए पा सकते हैं। यह एक तरह के योग्य विराम है कि आप अपनी नीरस दिनचर्या से बाहर निकल रहे हैं। इस समय का उपयोग संवाद करने और अपने परिवार के साथ जुड़ने के लिए करें। आप अपने महत्वपूर्ण कामों को किसी और दिन के लिए टाल सकते हैं। अभी के लिए बस अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताने पर ध्यान देना चाहिए। आप पा सकते हैं कि आज आप एक दूसरे के साथ जो समय बिताते हैं वो सभी को बहुत यादगार रहेगा। आइए जानते हैं मेष राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको छोटे छोटे मुद्दों को लेकर अपने पार्टनर के साथ झगड़ों का सामना करना पड़ सकता है। आप पार्टनर को दिए गए वादों को पूरा करने में अपने को असमर्थ पाएंगे, जो और भी ज्यादा मनमुटाव का कारण बनेगा। अनेक मामलों में कुछ सामाजिक समस्याओं भी दिन को चुनौतीपूर्ण बना सकती हैं। ऐसी शादियां जिनमें नजदीकी रिश्तेदारों की सहमति नहीं है आज खटाई में पड़ सकती हैं। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के करियर के बारे में। आज शायद काम के सिलसिले में आपको यात्रा करनी पड़े, जिससे आपको बहुत खुशी मिलेगी और साथ ही आपकी प्रतिष्ठा व पहचान को बनाने में भी सहायक सिद्ध होगा। यह आपके लिए बेहतर अवसर हो सकता है और इसे हाथ से ना जाने दें। वहीं वित्त के मामले में मेष राशि वालों, यदि आप आयात निर्यात के धंधे में हैं तो आज आपके और आपके व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा दिन माना गया है। किसी विदेशी से साझेदारी के संकेत हैं और इसके लिए बढ़िया परिणाम भी होंगे। यह विदेशी साझेदार आपके व्यापार हेतु बहुत महत्वपूर्ण होगा। अपनी कंपनी के विस्तार के लिए सभी संभव कदम आपको उठाने चाहिए। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मेष राशि के जातक, आज आपको सड़क दुर्घटनाओं से बचकर रहना होगा, और अगर आप मोटरसाइकिल चालक हैं तो बेहद सावधानी की जरूरत है। वाहन सावधानी से चलाएं और हेलमेट का उपयोग जरूर करें। अगर आप समझदार हैं तो सड़क दुर्घटना होने से बच सकते हैं, और ये आप पर ही निर्भर करता है। और आखिर में जानते हैं टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों का सुझाव है कि सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने के लिए आप लाल रंग में कुछ धारण करें।
आपके दिन का अच्छा समय दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच है। वृषभ राशि, आज चंद्रमा के मीन राशि में गोचर करने से आप में से कुछ लोग काम और घर सहित कई पक्षों से दबाव महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि बहुत से लोग आपसे उत्तर की तलाश में आए। एस्ट्रो के ज्योतिषों का सुझाव है कि आपको उनके प्रति अपने दृष्टिकोण पर विश्वास रखना चाहिए। आज आप कुछ गलतियां करने के लिए प्रवृत्त हो सकते हैं। आपका सबसे अच्छा दाव सिर्फ ईमानदार होना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। चिंता न करें, क्योंकि ये उच्च दबाव की स्थितियां जल्द ही बीत जाएंगी और आप फिर से खुश हो जाएंगे। आइए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज का दिन एक यादगार दिन साबित हो सकता है, जिसमें आप अपने साथी के साथ एक अच्छी यात्रा पर जा सकते हैं। यह मौका न केवल रोमांटिक यादगारों को समेटने का साबित होगा, वरन आपसी रिश्ते, प्यार एवं एक दूसरे को और अच्छी तरह से समझने का भी होगा। अर्थात आज का दिन आपके लिए वह मौका लेकर आएगा जिसमें कि आप अपने साथी के साथ अपना प्यार का इजहार कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के करियर के बारे में। आज विदेश से आपको खुशखबरी मिल सकती है, खासतौर से यदि आप विद्यार्थी हैं और अपने विदेश में कहीं दाखिले या छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है, तो ये खुशखबरी विदेश में अपनी नौकरी से संबंधित भी हो सकती है। विद्यार्थियों की पढ़ाई आगे बढ़ती रहेगी और उनका ध्यान इस समय अपनी पढ़ाई पर ही रहेगा। वहीं वित्त के मामले में वृषभ राशि वालों को विदेशी निवेश से आज आर्थिक लाभ के काफी संकेत दिखाई दे रहे हैं। यदि आप अपना व्यापार विदेशों में फैलाना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छा समय आपके पास आ चुका है। आज ही आप निवेश करें, संपत्ति खरीदने के भी संकेत हैं और यदि सोच समझ कर निवेश किया गया तो भविष्य में इसका अच्छा फल भी मिलेगा। अपना चुनाव ठीक से करें और इसका अनुकूल समय का इस्तेमाल निकट भविष्य में अपनी सफलता के लिए करें। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातक, आज आपको किसी भी तरह की दुर्घटना से बचकर रहना होगा। किसी भी भारी सामान को उठाते समय या फिर चिकने फर्श पर चलते समय आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको चोट लगने की काफी संभावना है। कोशिश करें कि आज आप कोई भी काम आलस में रहकर ना करें, इसका परिणाम बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। और आखिर में वृषभ राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे, दोपहर 12:05 से दोपहर 2 बजे के बीच का समय आपके लिए शुभ है। आपको इन घंटों के दौरान कुछ ही महत्वपूर्ण शेड्यूल करना चाहिए। हरे रंग का कोई भी शेड पहनना आपके लिए लकी साबित होगा। मिथुन राशि, मीन राशि में चंद्रमा की उपस्थिति आपको आनंद की दिशा में ले जा सकती है। यह दोस्तों के साथ खुद को फिर से जोड़ने व स्वयं को जीवित करने के लिए एकदम सही दिन है। आप जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उसके बाद एक ब्रेक लेने की भी आपको जरूरत है। यह न केवल आपके बंधनों को मजबूत करेगा, इस प्रकार बिताया गया समय आपकी यादों में भी समा जाएगा, जिससे आप आने वाले लंबे समय तक मुस्कुरा सकेंगे। आप और आपके मित्र का समूह जीवन के सभी उतार चढ़ावों से गुजरा है, इसलिए आज का दिन समय आनंदमय उत्सवों का होना चाहिए। आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको अपने पार्टनर के साथ ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा जिसमें अपनी बात पर अड़े रहने के बजाय समझौते का रास्ता अपनाना आपके लिए किसी ऐसे मुद्दे को लेकर आपके बीच विवाद होगा जो आपसे अधिक अपने पार्टनर के लिए अहमियत रखता है। विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की पूरी कोशिश करें। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के करियर के बारे में। आज उन लोगों के लिए बहुत अच्छा दिन है जिन्हें विदेश में व्यापार करने का अवसर मिला है। दूर बैठे साझेदारों से संबंधित व्यवसाय में भी आपको लाभ होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपने संपर्क मधुर बनाने की पूरी कोशिश करें, इस समय करियर संबंधी लाभ की अच्छी आशा है। वहीं वित्त के मामले में मिथुन राशि वालों को आज किसी विदेश से साझेदारी होने की संभावना है, यह दोनों के लिए फायदेमंद का सौदा होगा, इसलिए हाँ भर दीजिए। यदि आपने सही साझेदार चुना है तो आपको लगेगा कि आपके व्यवसाय में आश्चर्यजनक रूप से तरक्की हो रही है और आपने सोचा भी नहीं था। यह अच्छी तरह से जान समझ लें कि आपका साझेदार कौन बनने जा रहा है, उसे व्यवसाय के सभी नियम और शर्तें समझ लें, लेकिन समय ठीक है, आगे बढ़ें। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातक, आज वो दिन है जब आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज किसी भी तरह के छोटे छोटे हादसों से बचना चाहिए, या हादसे बिजली यंत्रों से भी आपको हो सकते हैं। अपने आसपास के वातावरण में काम करते समय सतर्क रहें। और आखिर में मिथुन राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे, 6:00 से 7:00 के बीच का समय आपके सबसे करीबी लोगों के साथ समय बिताने का एक उत्कृष्ट समय माना गया है। सफेद रंग आपके लिए शुभ रंग रहेगा। कर्क राशि, प्रिय कर्क, आज जब चंद्रमा मीन राशि में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा तो हो सकता है कि आप बहुत
आत्मविश्वास और तनाव मुक्त महसूस ना करें। जो लोग नौकरी कर रहे हैं वे खुद को कुछ विवादों के बीच पा सकते हैं। जो भी हो इसे सुरक्षित रखें और चीजों को अपने पास रखने, वरना आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जहां आपकी राय अधिकारियों के साथ टकरा सकती है। आप इस व्यक्ति विशेष के साथ बहुत बहस शुरू नहीं करना चाहेंगे। आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। रोमांस की दुनिया में आज सब्र ही सब कुछ है। आप महसूस करेंगे कि आपका गुस्सा ही आपसे वो चीजें कहलवा रहा है जिसको लेकर आप बाद में पछताने वाले हैं। आज आपका गुस्सा बहुत देर तक टिक नहीं सकता, पर गुस्से के वक्त कहे गए कुछ अनुचित शब्दों का बुरा असर काफी दिनों तक रहेगा। आज अपना लक्ष्य होना चाहिए अगर कुछ अच्छा कहना है तो आज आपका लक्ष्य होना चाहिए अगर कुछ भी बोलेंगे तो अच्छा ही बोलेंगे, नहीं तो चुप रहेंगे। अब बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के करियर के बारे में। जो लोग निर्यात से संबंध व्यवसाय में हैं आज उनका दिन बहुत अच्छा रहेगा। दूर रह रहे साझेदारों से संबंधित व्यवसाय में भी आपको लाभ होगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी आपके संपर्क मजबूत होने की अच्छी संभावना है। व्यवसाय से संबंधित शुभ समय का मजा लें। वहीं वित्त के मामले में कर्क राशि वालों को आज विदेश से आपको लाभ मिलने के काफी संकेत हैं। यदि आपने विदेशों में निवेश किया है अथवा विदेश में किसी अच्छे समझदार की प्रतीक्षा है तो आपकी इच्छा पूरी होगी, खुशखबरी मिलेगी। सितारे आपके पक्ष में है, सकारात्मक विचार बनाए रखें। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातक आज वो दिन है जब आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी भी सड़क दुर्घटना होने से आपको बचना चाहिए और बेहद सावधानी से रोड पर चलना चाहिए। अगर आप कार या मोटरसाइकिल चलाते हैं तो बेहद सावधान और सतर्क रहकर चलाएं। और अगर आप सतर्क एवं सचेत होकर वाहन चलाएंगे तो आप छोटी दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। आज आपका सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आखिर में जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। पन्नाहार आज आपके लिए शुभ रंग रहेगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम है जिसे निपटाने की जरूरत है तो बेहतर परिणाम के लिए इसे सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच जरूर करें। सिंह राशि। प्रिय सिंह, चंद्रमा के मीन राशि में रहने से आप में से कुछ लोग काफी संतुष्ट और आराम महसूस करेंगे। पेशेवर मोर्चे पर आप जो प्रगति कर रहे हैं वह संभवतः इसका एक कारण हो सकता है। हालांकि आपको सतर्क रहने और ईर्ष्यालु और लालची सहकर्मियों से सावधान रहने की आवश्यकता है जो कि आपके सर्वोत्तम हित में रुचि नहीं रखते हैं। ज्यादा तनाव ना लें और आराम करने की पूरी कोशिश करें। आप जानते हैं कि स्थिति को कैसे संभालना है, जैसे कि आप पहले भी इससे गुजर चुके हैं। वहीं दूसरी ओर आपके परिवार और प्रियजनों का सहयोग जबरदस्त रहेगा। आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप अपने साथी की इच्छाओं को जानने में सफल होंगे। प्यार को आपके संबंध का आधार बनाए रखने का आपका प्रयास रंग लाएगा, लेकिन इसे बनाए रखने के लिए आप दोनों की ओर से प्रयास काफी ज्यादा जरूरी है। अपने साथी का साथ दें या बातचीत करने के लिए हमेशा तैयार रहें। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के करियर के बारे में। अगर आप कोई फार्मेसी या चिकित्सा संबंधी क्षेत्र से जुड़े हैं तो शायद आपको विदेश जाने में कोई अवसर मिल सकता है। आपको इस अवसर के बारे में सोचना चाहिए, खासतौर से तब जबकि आपने पहले कभी इसी अवसर को ठुकरा दिया हो। ये अवसर काफी रोचक है और भविष्य में आपको लाभ देगा। अगर आज आप अपने आराम को एक तरफ रखकर सोचें तो आपके करियर में वृद्धि होगी। वहीं वित्त के मामले में सिंह राशि वालों को विदेश से पहले होने वाले लेन देन या साझे के काम से अच्छे लाभ के संकेत हैं। खासकर किसी विदेशी पार्टी से साझेदारी की सोच रहे हैं तो बातचीत के लिए यह बहुत बढ़िया समय है। जो लोग किसी यात्रा पर निकले हैं उन्हें अपने कार्यक्रम में बदलाव भी करना पड़ सकता है क्योंकि इस दौरान आपके व्यवसाय में कोई नई प्रगति हो सकती है। आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं जिससे अपनी संस्था को आपके अच्छे लाभ मिलेंगे। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातक, आज आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा। छोटी छोटी बीमारियों से बचना चाहिए। आपको सिर से संबंधित कोई चोट भी लग सकती है, इसलिए गिरना, फिसलना या फिर किसी भी दुर्घटना से बचने की कोशिश करें। आपको ख्याल रखना होगा कि जहां भी आप चल रहे हैं सतर्कता से चलें। और आखिर में सिंह राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। यदि दिन के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य निर्धारित है तो उसे दोपहर 3:15 से शाम 5 के बीच करने का प्रयास करें क्योंकि यह समय भाग्यशाली साबित होगा। दिन के लिए हरा रंग पहनने से बचना चाहिए। कन्या राशि। मीन राशि में चंद्रमा संचार संबंधी चुनौतियां पैदा कर सकता है, लेकिन शब्दों के साथ आपका रास्ता आपकी दृढ़ता के साथ मिलकर आज आप कोई नई बाधाओं को दूर करने में सक्षम रहेंगे। आप राजनयिक संचार और परिश्रम के महत्व को महसूस करेंगे जब ये चीजें आपको एक तंग जगह से बाहर निकालने में मदद करेंगे। अंत में प्रिय कन्या, आप जो भी करने के लिए तैयार हैं उसे हासिल करने में सक्षम होंगे। आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए
प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको दावेदार होने और उतावला होने के बीच अंतर को समझने की जरूरत है। आज आप उतावलेपन पर तुले हुए हैं, इसलिए दूसरों की ओर प्रतिक्रिया आज संभल कर करें। आपकी दावेदारी जहां एक और आपको एक इच्छुक वस्तु दिला सकती है, वहीं आपका उतावलापन आपको उसे दूर भी कर सकता है। होशियारी से चुनाव करें। अब बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के करियर के बारे में। अगर आपका खुद का व्यवसाय है तो हो सकता है कि आज आपको विदेश से कोई अवसर मिल जाए। ये अवसर आपके उत्पाद या सेवा को एक नई दिशा में ले जा सकता है। इस दिशा में कदम आगे बढ़ाएं। वहीं वित्त के मामले में कन्या राशि वालों को आर्थिक मामले से जुड़े समाचार भी अच्छे मिलेंगे। यह समय है कि आप अपनी आर्थिक योजना पर फिर से विचार करें और लंबे भविष्य के लिए बजट की व्यवस्था करें। ग्रह और नक्षत्र बता रहे हैं कि दूर के किसी व्यक्ति या संगठन से लाभ मिल सकता है। अपने आर्थिक लक्ष्य को पाने के लिए हिचकिचाएं नहीं। आपकी शुरुआत से भविष्य में आपको अच्छा फायदा भी होगा। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातक, आज ध्यान रखें कि आप अच्छी चीजों को अपनाएं ताकि आप खुद को प्रोत्साहित कर सकें। आप खुद को खुशनुमा बनाए रखें, इससे आपको काफी शांति मिलेगी। आपके सकारात्मक व्यवहार का असर आपकी सेहत पर नहीं बल्कि आपके आसपास के लोगों पर भी पड़ेगा। और आखिर में जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। बैंगनी रंग दिन के लिए भाग्यशाली रंग है। एस्ट्रो योगी ज्योतिषों का कहना है कि सुबह 11 बजे से दोपहर 12:30 बजे के बीच का समय आपके दिन का सबसे भाग्यशाली समय माना जा सकता है। तुला राशि। प्रिय तुला, मीन राशि में चंद्रमा की उपस्थिति के कारण यह संभावना है कि आप अपनी गतिविधियों में थोड़ा सहज होने के इच्छुक हो सकते हैं। आपकी ऊर्जा काफी चुंबकीय और आकर्षक हो सकती है। एस्ट्रोलॉजी ज्योतिषों का कहना है कि यह आपके लिए विशेष रूप से एक चीज के लिए प्रतिबद्ध महसूस कराने का एक शानदार समय है। और यह रवैया आपको किसी भी महत्वपूर्ण व्यवसाय की देखभाल करने या किसी छोटी सी समस्या को हल करने में मदद करेगा। आइए जानते हैं तुला राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। घर में लंबे समय से चले आ रहे मनमुटाव का आज कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा, जिससे ना सिर्फ आपको बल्कि घर के हर सदस्य को काफी राहत मिलेगी। इसलिए घर में शांति बनाए रखें और विवादास्पद मुद्दों को लेकर बंद कमरे में बात करें। घर में बच्चों को किसी भी तरह के गुस्से या नाराजगी से दूर ही रखें। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के करियर के बारे में। आपकी संस्था व्यवसाय के लिए आपको विदेश भेजने की तैयारी कर रही है। इसका पूरा फायदा उठाएं क्योंकि इसके लिए आपने बहुत मेहनत की है। इस समय विदेश में किया गया व्यवसाय शुभ लाभ देगा, इसलिए इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। विद्यार्थियों भी गृह क्षेत्र से दूर पढ़ाई करने का विचार कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले अच्छे से विचार विमर्श कर लें। वहीं वित्त के मामले में तुला राशि वाले कहीं दूर से आर्थिक फायदे की उम्मीद कर सकते हैं। विदेशी निवेश से फायदा के आज संकेत हैं। यदि आप विदेश में अपना व्यापार बढ़ाना चाह रहे हैं तो इसका सही वक्त आ गया है। आप विदेशी पार्टियों से संपर्क बढ़ाइए, आज इसका फायदा जरूर दिखेगा। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। तुला राशि के जातक, आज बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। आज कोई दुर्घटना हो सकती है जिसकी वजह से चोट लगने के काफी संकेत हैं, लेकिन घबराइए मत, आप हर बड़ी मुश्किल से बच सकते हैं। बस आपको ख्याल रखना होगा कि आप किसी ऐसे काम ना करें जिससे आप परेशानी में पड़ जाएं। कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, लेकिन आज आप अच्छा महसूस करेंगे। और आखिर में तुला राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। आपके लिए दिन का सबसे शुभ समय 5:00 से 6:00 के बीच है, इसलिए अपने कार्यों को योजना उसी के अनुसार बनाएं। मजेंटा रंग दिन के लिए भाग्यशाली रंग है। वृश्चिक राशि। प्रिय वृश्चिक, आपके आगे एक अद्भुत दिन है क्योंकि आप एक व्यक्तिगत इच्छा पूरी कर सकते हैं। जहां तक आपका संबंध है, आपके दृष्टिकोण में बदलाव से आपका पारिवारिक मोर्चा बहुत खुश होगा। आप बहुत लंबे समय से भावनात्मक रोलर कोस्टर पर हैं और चीजें आपको बहुत कुछ राहत भी दे सकती हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी ही क्यों ना हो। आज चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर रहा है, इसलिए यदि आप एक बच्चे हैं तो आपको उनकी सेहत का अच्छा ध्यान रखना चाहिए। आप अपने आप को एक ऐसे मूड में पाते हैं जो उत्साहित है और परिवार और दोस्तों की मौजूदगी आपके व्यक्तित्व में उसका सकारात्मकता को ही बढ़ाएगी। आइए जानते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आप अपने पार्टनर के साथ बहस से परहेज करें। जज्बाती होने के कारण आज आपके लिए छोटे छोटे मुद्दे भी तूल पड़ सकते हैं। अपने पार्टनर को शांत रखने की पूरी कोशिश करें, छोटी छोटी समस्याएं खुद ही दूर हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के करियर के बारे में। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आज विदेश में आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। खासतौर से इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को अवसर मिलने के काफी अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आपको विदेश से नौकरी का मौका भी मिल सकता है, इसे आप काफी खुश भी रहेंगे। इस अवसर के बारे में गंभीरता से सोचें, यह बहुत ही बढ़िया अवसर साबित होगा।
वहीं वित्त के मामले में वृश्चिक राशि वालों को किसी विदेशी कंपनी से आपकी साझेदारी से आपको काफी फायदा पहुंच सकता है। ये सही समय है कि आपने विदेश ग्राहकों के साथ कोई बड़ा लेन देन करें, विदेशी पांडव से अपना संवाद बनाए रखें। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातक, आज आपके साथ कोई हादसा घट सकता है जिसमें चोट लगने के संकेत हैं, इसलिए वाहन चलाते समय या खाना बनाते समय आपको सतर्क रहने की जरूरत है। इस बात का ध्यान रहे, आप जो भी काम करें ध्यान से करें। और आखिर में वृश्चिक राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। एस्ट्रो की ज्योतिषियों का कहना है कि यह सुनिश्चित करने के लिए नीले रंग की एक छाया पहनने की भाग्य आपका साथ देगा। यह अनुमान है कि अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को सुबह 10:45 से 11:30 के बीच करना चाहिए। धनुराशि। मीन राशि में चंद्रमा आपको दयालुता के कार्य पर विचार करने में सक्षम बनाता है। जो हाल ही में किसी मित्र या परिवार के सदस्य द्वारा आपको दिया गया है, उन्हें यह बताने के लिए एक बिंदु बनाएं कि आप उनके लिए उपलब्ध हैं और जब चाहे तब मदद करने लिए तैयार रहेंगे। उसी दार्ता को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाएं और अच्छे कर्मों की राह को आगे बढ़ाएं। आइए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। अपने प्रेम को ताजा रखने का पूरा प्रयास करें। अपने साथी के साथ रात का खाना मदद करें। अपने साथी के साथ रात का खाना बनाने में मदद करें। याद रखें कि बिना अपेक्षाओं के दिए हुए पूरा प्रेम में जादुई शक्ति होती है जो आपके संबंध में पूर्णता लाएगी। सभी जिंदगी में रोमांस चाहते हैं, इसलिए बोरियत से बचें और अपने जीवन को सच्चे प्रेम से भर दें। अब बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के करियर के बारे में। अगर आप विदेश जाने के लिए वर्क परमिट या वीजा का इंतजार कर रहे हैं तो आज आपको खुशखबरी मिल सकती है। इसके लिए आपने बहुत इंतजार किया है, इसलिए यह खुशखबरी आपके लिए बहुत मायने रखती है। वहीं वित्त के मामले में धनु राशि वालों के अंतर्राष्ट्रीय लेन देन और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जुड़े व्यवसायों के लिए आज लाभकारी दिन है। इस मौके का फायदा उठाएं और जहां तक संभव हो अपने व्यापार को और आगे बढ़ाएं। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। धनु जातक, आज आपको कोई जोड़ों की चोट लगने के ज्यादा संकेत है, इसलिए घुटने एवं एड़ी की चोटों से सावधान रहें। ध्यान रहे आज आप कोई ज्यादा दबाव वाला काम ना करें ताकि आप जोड़ों के दर्द से बच जाए। वैसे आज आप स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। और आखिर में धनु राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। शाम 4 से शाम 5 के बीच किसी मित्र को आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। एस्ट्रो की ज्योतिषियों का कहना है कि परिणाम के रूप जारी सकारात्मक ऊर्जाएं आप दोनों के बीच पहले से मौजूद बंधन को और मजबूत करने वाली हैं। गुलाबी रंग आपके लिए शुभ साबित होगा। मकर राशि। प्रिय मकर, चंद्रमा का मीन राशि में गोचर आप में से कुछ को अपने जीवन को नियंत्रित करने और संगठित होने के लिए काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। आप हाल ही में एक सामाजिकरण की होड़ में रह रहे हैं। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषों का मानना है कि आज आप सामाजिकता और तुच्छता से भरे कुछ हाल ही दिनों के बाद बंद हो रहे हैं। अपने घर और अपने जीवन को फिर से व्यवस्थित करने के लिए यह आपके लिए एक अच्छा दिन माना गया है। आइए जानते हैं मकर राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज रोमांस के मामले में आपके लिए सहनशील बने रहने का फायदा होगा, क्योंकि बीती बातों को उधेड़ना सिर्फ आपको ही हानि पहुंचाता रहेगा, ना कि उसे जिस पर आप गुस्सा हो रहे हैं। एक बार आप अपनी नाराजगी छोड़ दें, फिर आप पाएंगे कि आपका प्रेम जीवन और खुशी फिर से आपके पास लौट आई है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के करियर के बारे में। आज आपको व्यवसायिक सफलता मिलती है। विदेश संबंध से काफी लाभ संभावित है। अगर आप अपने काम से संबंधित विदेश में आपके लोगों को जानते हैं तो देखें कि उन लोगों के द्वारा आपको कौन से व्यवसायिक अवसर मिल सकते हैं। अगर आपको कोई अवसर मिले तो उसके बारे में सोच विचार जरूर करें, यह आपके लिए लाभकारी हो सकता है। वहीं वित्त के मामले में मकर राशि वालों को आज विदेश से आर्थिक लाभ के संकेत हैं। कहीं दूर से आसानी से पैसा मिलने के संकेत हैं। यदि आपने विदेश में निवेश किया है या विदेश से किसी अच्छे समाचार की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो आज वह दिन है, खुशखबरी जरूर मिलेगी। सितारे आपके पक्ष में हैं, सकारात्मक विचार बनाए रखें। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मकर जातक, आज आपको वाहन चलाते समय बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आप 2-व्हीलर चलाते हैं तो आपको हेलमेट पहनकर ही आगे बढ़ना चाहिए। आपके तारे इशारा कर रहे हैं कि आज आपके साथ कोई सड़क दुर्घटना हो सकती है, खासकर जब आप कोई आयात स्पोर्ट्स कार चला रहे हो। आज आपको ख्याल रखना होगा, अगर आप कार की स्पीड को थोड़ा कम रखें और सीट बेल्ट को प्रयोग में लाएं, इससे आप छोटे हादसों से बच सकते हैं। और आखिर में मकर राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। बैंगनी रंग आपके लिए शुभ है। सुबह 10 से 11:15 के बीच कोई भी कार्य करने से आपको सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेंगे।
कुंभ राशि। प्रिय कुंभ, मीन राशि में चंद्रमा का गोचर आपको डिस्कनेक्टेड महसूस करा सकता है। आप चकित रह सकते हैं क्योंकि आपका मन बहुत सी चीजों को लेकर मुद्दे में उलझा हुआ प्रतीत सा होता है, जिससे आप काफी परेशान रहेंगे। आपको यह तय करने के लिए अपना समय लेना चाहिए कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या होगा, और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। एस्ट्रोयोगी ज्योतिष सलाह देते हैं कि किसी करीबी दोस्त के साथ दिल से दिल की बातचीत करने से आपको अपने विचारों को इकट्ठा करने और स्पष्ट रूप से सोचने में मदद मिलेगी। आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपके प्रेम प्रसंगों में मुश्किलें आ सकती हैं क्योंकि आपका साथी कुछ समय के लिए शहर से बाहर जा सकता है, मगर चिंतित ना हो, दूरी आपके संबंध को और अधिक मजबूत बनाएगी और आप समझेंगे कि आपका साथी अपने काम के लिए ही जाता है और एक दूसरे को आप कितना चाहते हैं। आप साथी की कमी महसूस करेंगे, मैं फिर मिलने पर आपके संबंध में नई उत्तेजना व नई प्रेम से भरी शुरुआत होगी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के करियर के बारे में। आज आपको अपने कंपनी की ओर से कार्य के लिए सदर क्षेत्र में भेजा जा सकता है। आप शायद इस यात्रा को लेकर थोड़े से चिंतित हो, लेकिन जितना की कोई बात ही नहीं है। आप एक सितारे की तरह चमकर उठेंगे। अब तक आपके जो काम रुके पड़े थे अब वो पूरे भी होंगे। वहीं वित्त के मामले में कुंभ राशि वालों को व्यवसायिक स्तर पर बढ़े हुए कार्य में सामान्य प्राप्ति हो सकती है, जबकि ऐसा देखा गया है कि सभी कार्य सही दिशा में जा रहे हैं, तब भी अचानक अनिश्चित पहाड़ जैसी बाधाएं आपका रास्ता रोकना चाहती हैं। आपको अपने कार्य की सफलता के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है, जिससे आप निश्चित रूप से धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सकते हैं। शीघ्र ही आपकी सारी बाधाएं दूर हो सकती हैं। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। कुंभ जातक, आज आपके साथ कुछ ऐसा घट सकता है जो आपके हित में ना हो। आपके लिए बेहतर होगा कि आज आप आग या फिर नुकीले पदार्थ से दूर रहें, जैसे कि चाकू। आपके लिए यह भी अच्छा होगा कि आप गर्म पदार्थों को ना छुएं और उनसे दूर ही रहें। और आखिर में कुंभ राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। आपके लिए दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच माना गया है, इसलिए इस अनुसार योजना बनाएं जो आप अपने जरूरी कामों को इस समय के बीच कर सके। और नीला रंग आज आपके लिए लकी रंग है। मीन राशि। चंद्रमा के मीन राशि में होने के कारण यह काम शुरू करने और खत्म करने का एक अनुकूल समय है, जिसके लिए किसी उच्च अधिकारी के अनुमोदन की आवश्यकता हो सकती है। खासकर यदि मामला लंबित है, अपनी रचनात्मक पक्ष सामने लाएं और अपने शानदार विचारों के साथ आने में सक्षम होंगे। अपनी सारी ऊर्जा का उपयोग करें और अपनी कागजी कार्यवाही को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों में दें। कुल मिलाकर आपके लिए एक सुखद दिन है। आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए प्रेम के मामले में कैसा रहेगा आज का दिन। आज आपको प्रेम संबंध के मामले में निराशा या आघात लग सकता है, क्योंकि आज आपके रिश्ते में दरार पड़ने की संभावना है। आप इसके हालात से परिचित हो या ना हो, पर ऐसी हालात आपके लिए तैयार हो रहे हैं। आप इस खबर से ज्यादा बेचैन ना हो, क्योंकि इस हालात में आपको जल्दी उबर पाने के लिए सक्षम होंगे और आपको अपना प्यार फिर मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों के करियर के बारे में। आज आपको बाहर जाकर लोगों से मिलना चाहिए, इससे आपको भविष्य में काफी लाभ होगा। ध्यान रखें, आप केवल अपनी इच्छा शक्ति से अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, इसलिए संकोच ना करें और दूसरों की मदद अवश्य लें। वहीं मित्र के मामले में मीन राशि के जातक, आज आपके व्यापार में आने वाली इन कठिन समय से निपटने के लिए आपको सबसे पहले समय निकालकर बैठना होगा व सही योजना बनानी होगी। इस विषय में चिंता ना करें। आपकी कुशलता व गुणवत्ता के चलते आप कठिन से कठिन समय से भी पार कर लेंगे। ऐसा तो कभी नहीं होता है कि हमेशा ही अच्छा समय चलता रहे या कठिन समय भी जल्दी निकल जाएगा। आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। अब हम सेहत की बात कर लेते हैं। मीन जातक, आज आप सकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में रखने के महत्व को महसूस करेंगे। ध्यान रखें, जो भी मानसिक छवि आप अपने दिमाग में बनाएं, उसे आपको प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, इसलिए आप खुद को अच्छे स्वास्थ्य बनाने का मौका दें। और आखिर में मीन राशि वालों के लिए टिप्स ऑफ द डे। दोपहर 3:20 से शाम 5 बजे के बीच आपके सितारे आपका सबसे ज्यादा साथ देंगे। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषों का कहना है कि इस दिन के लिए लाल रंग आपके लिए शुभ रहेगा। यह राशिफल सामान्य ज्योतिष आकलन के आधार पर है। यदि आप कुंडली के अनुसार विस्तार पूर्वक अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। एस्ट्रोयोगी, इंडियाज़ नंबर 1 लाइव एस्ट्रोलॉजी ऐप।